सब लोग को मेरा प्यार पहुंचे जहां तक की आवाज पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, अखबार ने आज जिक्र की है कि श्रीमान जैक्सन वीवी एक सवारी में बैठा था। जैक्सन वीवी एक सवारी में था, यानी मीड इन जेतंड दो लोग के साथ, और एक रहा दामियान जो गाड़ी खुद चलाता था, और शिफारो उनके बगल में, और जैसे आप जानते जैक्सन वीवी भी उसी गाड़ी में था। अचोनी के रास्ता पर यह गाड़ी, जैसे मैंने आपसे कहा है कि सभी लोग गाड़ी शहर से बाहर सड़क पर उड़ा करके जाते हैं, और यह बड़ी स्लेव हेड से गाड़ी जो चलाया है, यह गाड़ी उड़ी जाने से जैक्सन वीवी का मौत हो गया उसी गाड़ी में। दामियान जो बस्तीदर रहा उसके बगल में शिफारो आ, ये दोनों बहुत से घायल हुआ, बेहोश हो गया। एम्बुलेंस के जरिए दोनों को उठा करके स्पोर्ट एशन हेल्प को लाया गया है, लेकिन जैक्सन वीवी का मौत हो गया। और ये किलोमीटर 60 जैसे आप जानते हैं कि ज्यादा स्नर है इसे गाड़ी था, ये जहां पर किलोमीटर सेफ है ये गाड़ी वहीं पर उल्टा है, और ओकरे बाद में ये दोनों जो घायल हुए, गाड़ी में से निकल चुका था लेकिन गाड़ी में लग गया आग और वो जल करके वहां भस्म हो गया है। ये गाड़ी उलट जाने से आग लगा और जल करके राख हो गया है। इस आदमी का लाश भी जल गया। जैक्सन वीवी सिपाही इस लाश को बसलाख में ले लिया है। द ब्रांडवेयर फोरलेक्टर जैक दट सेन कोलिगास बेहद फरकोल क्वामन में बहुलप फन एन स्प्रेडर एन एन स्खार। प्यारे लोग, ये दुख की ये सनीसा है, ये बहुत अफसोस की बात है और ये बहुत दुख की बात है। ये आदमी का मौत हो गया है। अभी आप लोग सुने हैं कि सरकार आज या कल के बात है, द रेखेरिंग जैसे बातचीत किया था कि वो आमतौर देगा अल्कोवा क्वेस्टी पर, तो ये आमतौर दिया, लेकिन एक ब्रकोपुंड ऊपरी कॉम्स ये सरकार नहीं भेजा है असेंबले के वास्ते। देना फोर्सेटर जेनिफर हेलेन सिमोंस कह रही है कि आने वाले मंगल को एक विशेष सभा लगने वाला है। भाइयों बहनों, जैसे आप लोग जानते हैं इस ऑफरिंग कॉम्स एक नेशनल असेंबली के हक, इसमें पूरा हक है नेशनल असेंबली, क्योंकि आज जब असेंबली के लोग ये बात जानते हैं कि अल्कोवा के अगवाकार लोग अलैन अर्द फैब्रिक या अलैन अर्द रफीनाद रेट पर नाम मांतलिंग या ऑन मांतल जैसे लोग कहते हैं कि उखाड़ करके खोल करके अब वो ले जाना चाहते हैं, नेशनल असेंबली एक फैसला ले सकता है, क्योंकि कानून में यह बात लिखा है कि नेशनल असेंबली मुकदमा चला सकता है अल्कोवा के ऊपर, समस्या को जो इस वक्त वहां उखाड़ रही है, तोड़ रही है, उसका रुकवा सकता है, क्योंकि नेशनल असेंबली अब जरा दे सकते हैं सरकार को, यानी ये सब चीज पर बसलाख करने के वास्ते। नेशनल असेंबली रखेलेन को अब दरख दे सकता है कि रखेलेन तुरंत अल्कोवा पर बसलाख किया जाए, कॉन्सर्वेटोर बसलाख हम कहते हैं, ताकि वो अलैन अर्द रफीनाद रे बाकी खोल करके नोच करके और यहां से भागने की कोशिश मत करे, क्योंकि सूरीनाम को बहुत से नुकसानी जो लोग किए हैं, 7 साल से जमीन को बर्बाद की है, जमीन यहां खोजिश वहां खोजिश है, वहां पेड़ पालन काट दिया हमारा जमीन को बर्बाद करने के बाद, अब ये लोग भागना चाहता है। रखेरे को अब जाक मिलना चाहिए असेंबली द्वारा,
वो ऑब्जर्व ये होना चाहिए कि अल्कोवा अल्कोवा के ऊपर बसलाख लग करने के लिए बसलाख करने के लिए यानी कॉन्सर्वेटोर बसलाख हम कहते हैं, क्योंकि ये सामान जो है हम लोग को ये सब अल्कोवा या सुराल को जाने से पहले जितनी नुकसानी किया सर नाम के लिए वो भर करके अदा करके तब ये यहां से जा सकता है। कम से कम 10 या 15 मिलियर्ड अमेरिकन डॉलर होना चाहिए, क्योंकि 100 साल के ये जो यहां से बॉक्सिट ले गया है, के जाने की सोना भी ले गया है, के जाने की यहां से डायमंड भी ले गया है, और अब जो ये सुराल को या अल्कोवा भागना चाहते हैं, ये सरकार उस पर बसलाह कर सकता है जब असेंबली ये हुक्म दे तब। इसलिए आने वाले मंगल को कम से कम जेनिफर सिमोंस को चाहिए अपने सभी इन फैक्ट रीजन के साथ लेकर के मंडात देने के लिए सरकार को, कि सरकार को चाहिए यानी अल्कोवा के बस्ती अल्कोवा मास्कपेई पर बसलाह करने के लिए एक कॉन्सर्वेटोर बसलाह, और इस बसलाह के मतलब ये है कि वो लोग को भागना बंद हो जाए और वो लोग पहले यहां के नुकसानी अदा करे और तब नुकसानी अदा करने के बाद वो लोग सन्नाम छोड़ सके, क्योंकि ये लोग अब अलैन अलैन अर्ध रफिनादरी नहीं छोड़ेगा, मतलब कि यहां पर वो लोग उसमें काम नहीं करेगा। तो जब भाग रहे हैं तो पहले नुकसानी जो अदा किया नुकसानी अदा करने के बाद, तो आप लोग को जानना चाहिए, असेंबली लेडन को जानना चाहिए, आप लोग को रखेरे को अब दरख देना चाहिए कि वो अल्कोवा पर बसलाख लग करे कॉन्सर्वेटोर बसलाख। और बसलाख के मतलब यही है कि जब ये लोग इतना नुकसानी की है सुरीनाम में, उनका कर्जा पहले भर करके तब ये लोग जा सकते हैं, वही वरना जितनी सामान है सरकार उसको बसलाख में ले सकता है। जब तक सरकार नहीं करेगा वो लोग खोल खोल करके और सामान लेकर के भाग जाएगा। हमारे सुरीनाम के जनता पूरी सी वेल अपार्ट लॉन्ग ब्रेक्स बप्पा है बप्पा है पुलिसी वेल अपार्ट लोड रिक्स बोले फीसो फीसो बोले फीसो हम लोग को बेइज्जती करता है, हम लोग को बेइज्जती किया है फीसो बल्ले दखें फॉर पुलिसी आमतर वही गर्व है बप्पा। ये लोग कहते हैं कि कुछ 3 हफ्ता के अंदर में बाउंड को फीसो से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फीसो हम लोग को बेइज्जती करता है, फीसो बनाया है स्कूल मास्टर और बवाखर के लिए न पुलिसी के लिए, फीसो बनाया है बवाखर और स्कूल मास्टर के लिए, और फीसो 3 हफ्ता के अंदर यहां से इस फीसो से अलग होना चाह रहा है। ए भाइयों, अब कहीं जा करके कोपनाम ब्रोक फिर से खुल गया है, कोपनाम ब्रोक वेयर ओपन, समझ ले क्या बात है, कोपनाम ब्रोक वेयर ओपन समझ ले ना बप्पा, जब सब टूट टाट करके छितरा गए तब जा करके फिर से स्क्रूफू जो निकल करके रीवा में सब गिर पड़ा, नवा स्क्रूफू लगल है, अब फिर गाड़ी चलने लगा है। खौफ में रूस बैल स्टार्ट सुरीनाम को 52 मिलियन फॉर 2017 एक खौफ मल्टीनेशनल आई एम गोल्ड 52 मिलियन अमेरिकन डॉलर ब्लास्टिंग भरी से सुरीनाम के कास में पैसा स्टोर्ट किया गया है। गुजरे साल के लिए 52 मिलियन इतना पैसा ब्लास्टिंग आ चुका है। हमारे सुरीनाम के तमाम जनता फॉर 2017 आई एम गोल्ड एक नेटो विस्ट बनाया हुआ है 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर, सब पैसा मिला करके था 386 मिलियन, इतना के सोना जमीन से निकाला गया है। हमारे देश के तमाम जनता, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि 2018 के लिए कितना पैसा स्टोर्ड हो रहा है बैंक में, क्योंकि देश में से
हजारन हजारन किलोग्राम सोना निकल के निकाला जाता है, और ये सब तो जानते हैं कि ये सूरीनाम की जमीन से होता है। भैया एक बात जो है देश के अंदर में, कितनी मां हैरान हो जाती है काकी, कितनी मैया दुखी हो जाती है। और ये सब बात हम क्यों कह रहे हैं, ये सब बात हम कह रहा हूं ताकि आप होशियार हो जाओ। मुदर मेरक्ट यार लंग सेक्सुअल मिसब्रेक डॉक्टर ने देख भला तू क्या हम बताई का कि तू सुन एक बात, हम बात करी ला जब मैया से रिलासी हुआ राजेंद्र कुमार से जेफन तीन यार से ये रिलासी है। एक औरत रक्साल में रो रो करके ये कहानी कह रही है कि 14 साल के बिटिया राजेंद्र कुमार से 17 साल से जो मैया के साथ है, ये बिटिया को बलात्कार करते था, अपना हवस उतार रही थी। ये दुख के बात है कि बिटिया कभी मुंह खोल करके ये बात कही नहीं। यहां लिखा है सेफर्टेल्ड एंड स्ट्रेंग मुदर टू जैन वार्डो सेफर मुद्दा था डॉक्टर हर निच फर्टेल्ड ओवर हेट सेक्सुअल मिसब्रेक। बाकी धीरे धीरे बप्पा ये बात बाहर निकल गया। एक आदमी ने एक 14 साल के बच्ची को साथ अपना हवस मिटाते गया। अब ये जाकर के ये बात खुल गया है। अब देखो प्यारे लोग 16 अगस्त को ये मुकदमा जज के सामने फिर होगा, जहां पर फिर बाप बेटी अब माई के बाद सामने रक्त ने लाने वाला है। ये अफसोस की बात है बप्पा, बहुत अफसोस की बात है। ये बात से हम लोग अगर हम लोग होशियार नहीं हो जाएंगे, और हम सोचते हैं कि हम होशियार है, तो समझ जाओ कि अगर अब हमारा आंखें नहीं खोलेगा तो कभी नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा। आजकल के बेटी बेटा को हर एक गलत काम जो होता है उन्हें बोल देना चाहिए, वरना आप भी कसूरवार होगे। जब समाज में लोग समाज के बारे में कहेंगे कि ये बिगड़ी हुई समाज है, तो आप ही कसूरवार कहलाए जाएगी, क्योंकि तू मुंह खोल करके कभी नहीं कहे हैं कि बाप ने यह करता है या माई ने यह करवा रही है, चाहे सगा बाप भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मुंह खोल करके बोलना चाहिए। आज देखो जज के सामने ये सब बात खुल रहा है, शर्म के बात है, शर्म के बात है। रेख्तर मारी मैटन दाफ के सामने एदखार ये इनको खड़ा किया गया और पूछताछ शुरू हुआ। रेख्तर पूछा थे एदखार ये से, एदखार क्या सच है कि तू तीन औरतें को अपना रखेल बना करके मौज करते थे और जबरदस्ती भी? तो एचखार ये बोले ना रेख्तर, ये झूठ बात है, हम जबरदस्ती कोई चीज न कर ली है, टेलीफोन तो हमारे देख सकते हैं नंबर कि कैसे अस्पराग बनत रहा, पहले एक औरतिया से तो फिर दूसरा औरतिया से तो तीसरा औरतिया से हम अस्पराग कर करके आईली है। वो लोग भी उन लोग को भी खट्टा खाने के लिए बड़ी शौक थी, इसलिए वही लोग तो अस्पराग बनावत रहा। रेख्तर बोले ग्रांतांगी, रेख्तर बोले ग्रांतांगी, बोले अच्छा तो हम तो टेलीफोन के नंबर दिखवाएंगे कि
कि अस्पताल तो कब कब बनल है और कैसे अस्पताल बना है। लेकिन रेक्टर के कहना है कि ये नकली तीन औरत और कितनी औरत के तो ये बलात्कार की है या अपना हवस मिटाया है जब ये अस्पताल कर करके बुलाया हुआ है, या झूठ बात बोल करके, या गलत बात बोल करके, या लालच दे दे करके, लेकिन ये और औरतों को जिंदगी बर्बाद किया है। तो ये फर्क केवल सही फर्क रखते तो ये आदमी के मैटनदाफ जो रेक्टर है, अब जहां तक हमें पता है भाइयों, ये सब टेलीफोन, ये टेलीफोन कितना किया है, कब कब किया है, अब ये चीज ऑन द सुख होगा। वही गड़बड़ है। बोले हम ना ही अपर खा हम संतार कर करके अस्पताल करत रहा। अब देखो का होवे काका, गजब गजब के बात है भैया, लेकिन सरकार ये सब बात ऑन द सुख करेगा। जब लोग देखो, जब से बैठा है मिनिस्टर लालिनी गोपाल, अब सब लोग सोचे लालिनी गोपाल बेचारी बैठल है और चुपचाप अपना काम करते रहेगी वगैरह वगैरह। ऐसे बात ना है, अखबार ने जिक्र की है कि बहुत जल्द में लालिनी ने डायरेक्टर जो है राशल कोनिंग ब्लूम को लखेदने वाली है। बहुत जल्द डीना वेस्फा और डायरेक्टर योग संतरा उन्हें भी लखेदने वाली है। देखो कब होगा, काहे के बोले कि बलैस इंसेस्टिंग देख करके, समझे ना, स्लाक्टोवर्स वार्डन फान खोवेजग द बलैस इंसेस्टिंग। तो ये मिनिस्टर धीरे धीरे सबके अलग करने को जा रही है। 22 जुलाई को एक आदमी दारू पी करके खूब जबरदस्त कचर दम दारू पीस भैया अफूबा का व्यक्तर होक्तफान शिवराल को, ये आदमी गाड़ी में बैठा फिर उतरल, फिर बैठा फिर उतरल, न जाने की यूरिनेर करने के लिए वगैरह, फिर बैठा, तब एक स्लेप वाहन मारी से एकदम से उखाड़ फुखाड़ डाली से घर गाड़ी। अब पता चला है कि यह आदमी जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं एसीआई दारू पिए हुए थे, न स्लेप वाहन दारू पिए रहा, वो आदमी जो गाड़ी में बैठे, गाड़ी में से उतरे, पिशाब करे बैठे, वो दारू पिए रहा, उनका गाड़ी को धक्का लगा है स्लेप वाहन द्वारा, ड्रंकन ऑटोमस्टीजर राइट स्लीप वाहन आन, ऐसे बतिया है। एक आदमी जिसका नाम है एर्नेस्टो एस प्यारे प्यारे लोग, ये अपना पिस्तौल के सफाई कर रहा था। दिस फेस फिर वापन के बारे में बात करते हैं, लोग बोले शो माकन, उनका सफाई कर रहा था सर्फी सर्फी। एर्नेस्टो एस ये अपना देश फैशन वापन सफा करता था, बस ये सफा करते हुए उसमें से गोली चला है। अब गोली जब चला है उसका बाया हाथ के बीचे बीच में गोली पास हो गया है, लिंकर हैंड पालम है, तो गोली उसमें से पास हो गया बप्पा, तो चोट लगा है। अब ये इन्हें तुरंत सिकन है, इसको पहुंचाया गया इस हेल्प को स्पोर्ट एशन हेल्प, इनका देखभाल हुआ, लेकिन सफाई करते हुए इनका पिस्तौल से गोली चला है। बड़ा गड़बड़ बात है भैया, देखो आगे चल करके सिपाही इसके बारे में और क्या करेगा। चिनुआ लोग देश में बड़ी मेहनत करता है और बहुत से चीज सूरीनाम में चिनुआ लोग देते जा रहा है, खाली सरकार तनी से मुंह खोल ले भैया चिनुआ तुरंत दे देता है। यह सच बात है काका, विश्वास तो कर, सरकार जो चीज के लिए मुंह खोलत है ऐसे बस फट से चिनुआ ला करके दे देता है। आज देश सूरीनाम में हम लोग को बड़ा इज्जत हुआ है,
जब बड़का बड़का बिल्डिंग बन गई है, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग, भारी भारी बिल्डिंग, जो कभी हम लोग सपने में नहीं सोचे थे बापा। सपना में कोई कभी नहीं सोचा था कि सरनाम में इतना भारी भारी घर बन जाएगा। शायद आप लोग नहीं जानते, हम आपसे कहना चाहूंगा, एक मर्तबा गांव के स्कूल के बच्चों ने बस के द्वारा शहर को आए थे सबसे ऊंचा मकान देखने के लिए, और हम नाम लेकर के बताएंगे, हाकरिंग बांग। हाकरिंग बांग दिखाने के लिए एक स्कूल के लड़कन बस यूर कर करके, बस भाड़ा पर लेकर के युफ्रो लड़कन को लाए थे दिखाने के लिए कि देखिए सूरीनाम में पारामारिबो में एक बहुत ऊंचा मकान है और उस मकान के नाम है हाकरिंग बांग। लोग ने देखने के लिए आए थे। आज जो जमाना है मऊ साहब, आज जो जमाना है पठवानिका से लेकर लेडी दौर से जहां पर आप जाएंगे, एक एक मकान 15-20 केटी के मकान है। ऊंचा तो हम भुलाई गली कितना ऊंचा, शायद फ्लिक मशीन धक्का न मार दे कोनो कोनो खबौवन में, इतना ऊंचा ऊंचा मकान बना है, चिनुआ ने बनाई से बहुत हम लोग को इज्जत दिया है चिनुआ देश के आदमी जो यहां पर आकर के रहने लगा है। शीना मुलुक के जनता यहां पर आकर के हम लोग को इज्जत बचा लिया, वरना हम लोग वही टूटल पुटल छुटल पुटल छोटा छोटा झोपड़ी रहा है जसवा में। आज तो देख सकते हैं बीच पर हमारी वो में घूमते रहिए, अभी तक इतनी छोटे छोटे मकान टूट टूट करके छितरा गया है। प्यारे लोग, चिनुआ से जो बात आप मांगो वो फच तुम्हें दे देता है। अब चीनीज अम्बेसडर 155 साल हजरत एंड तक यार हर दिन के चीनीज इमिग्रेट से जो मनाने वाला है ये लोग, चीनीज इमिग्रेसी के लिए अंबेसडर जो चीना का है, प्रेसिडेंशियल पैलेस जहां बहुता बैठे हैं वहां पर ये लोग रिसेप्शन देना चाहता है। चीनवा लोग वहां पर रिसेप्शन अब देना चाहते हैं। अरे भैया, तुम्हें सब कुछ दे से चीनवा लोग, तू मुंह खोलो तुम्हारे तुम्हें मुंह में खाना घुसे दे, जे भी तुम्हारा खाली है पैसा घुसे दे वहां, जो चीज तू मांग ले तो देवे। चीनी से बोले रिसेप्शन इन प्रेसिडेंशियल पैलेस। बोले बहुता तुझा पैलेस पर हमें अगोरिया हम लोग रिसेप्शन दे मांगे तोर खबाव में। हमारे है देखने में ये लोग को हक बनता है, बोलना क्या कि हक बनता ये लोग क्या कि नहीं, जब ये लोग सरनाम के लिए हर एक समय तैयार है चीज देने के लिए, पैसा तो मांग ले बम से, मोटर गाड़ी मांग ले बम से, ट्रक मांग ले बम से, घर मांग ले बम से, 1000 मकान कदों के बना करके देता, जो तू जो चीज चाहे चिन्मा बोले तो कम दे ही ला, जो चीज तू मुंह खोल के बोल दे बम से है। अब चिन्मा खाली एक बात बोली से, हम लोग मांगे ला रिसेप्शन करे, चीनी से अम्बेसाद मांगे रिसेप्शन करे प्रेसिडेंशियल पैलेस में। ये इतना बात तो क्या हम बता दे। समस्या जो वो सामने रखा चीनवा लोग, हमारे देखने में वो लोग को हक बनता है, क्योंकि वो लोग सन्नाम के लिए बहुत कुछ किया है। सूरीनाम देश के लिए अगर कोई अम्बेसाद कुछ किया है तो ये चीनवा लोग, और हमारे देखने में जब चीनवा लोग का मांग भैल है, उनका अम्बेसडर सोच रहा है कि वो रिसेप्शन करेगा प्रेसिडेंस पैलेस में, तो प्रेसिडेंस पैलेस को इस बात से इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनवा लोग जो देश में हैं ये
सन्नाम को हर एक मुसीबत से बचा सकता है, श्रीनाम को हर एक बेइज्जती से बचा सकता है, श्रीनाम को हर एक मुसीबत से बचा सकता है, और श्रीनाम को अभी तक सहायता देता है। अगर वो लोग रसबसी देना चाहते हैं तो हमारे देखने में सरकार को इतराज नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट को कहे चाहे ठीक है तो हम दो रोज नहीं बैठेंगे, भले इसमें दो रोज चिनवा बैठेगा, चिनवा के हुकूमत रहेगा, और वो पहले इसमें रह करके यानी रिसेप्शन कर सकता है, क्योंकि चिनवा सब कुछ सन्नाम के लिए दे देता है, मुंह खोल कर बम से दे देता। इसलिए सरकार को कहे इतराज नहीं करना चाहिए। प्यारे प्यारे लोग, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता भाई बहनों, मुझे पता है, हमें पता भाई बहनों, आज अखबार ने भी जिक्र की है, और जिक्र की है कि बैरम पर कितने लोग सामान, घर द्वार, छोटा छोटा कुठड़ी, छोटा छोटा ही यानी कि ठोक ठोक करके बनाया हुआ है। अंसीरेंग दौर बैरम बबोवेंग, समझ रहे ना प्यारे लोग। अब आप बताइए ये सब बैरम पर जो बन बन करके बनाए हुए है चीज, और ये चीज बना करके छोट छोट मकान सामान बेचते रहते हैं, इसके बारे में सरकार को ठीक रूप में फैसला लेना चाहिए, या उन लोग को फ्रेंडिंग दे दे, या उन लोग से कहे अच्छा चीज बनावे, झोपड़ी नहीं, ताकि टूरिस्ट लोग भी आ करके और ठीक से समस्या देख करके वो लोग शायद कुछ खरीदना चाहे तो खरीद सकते। तो ये जो बनावल है छोटा छोटा झोपड़ी कुछ कुछ बेचने के लिए, अगर इसको उम्दा से बनाया जाए तो सरकार को शायद इतराज नहीं करना चाहिए। देखो क्या हुए है, मुबारकबाद शफीक मोहम्मद राइफ बरसाती को हम दे रहे हैं। शफीक मोहम्मद राइफ, राइफ बरसाती, शफीक मोहम्मद राइफ बरसाती, ये श्रीनामसे फैकल्टेट देर यूरिडिस वेटन, यहां पर ये पास हुए हैं मास्टर ऑफ लॉ, LLM, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है। इनका बाप के नाम मोहम्मद राहिद बरसाती, मोहम्मद राहिद बरसाती। मैया के नाम है मफरौ नाजमा बरसाती नसरू। भैयों के नाम राइज मोहम्मद रमजान बरसाती, शफीक मोहम्मद राई बरसाती को मुबारकबाद दिया है। रेडियो रापर भी शफीक मोहम्मद राई बरसाती को मुबारकबाद दे रहा है, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री जो हासिल की है, बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे लोग, एक्सपर्ट अरेस्टिंग के कमकर्ता जिसका नाम है दिनेश एर, एक मोटरगाड़ी से दो फोन चोरी किया है। एक मोटरगाड़ी वहां पर एक क्लांट ने लाया है मरम्मत करने के लिए, नया रंग चढ़ाने के लिए, तो दिनेश उसमें से दो ई फोन चोरी कर लिया और कुछ पैसा बस क्लांट नालिश की है, और दिनेश को सिपाही पकड़ करके ले जा करके बंद किया है। तो बताइए तो भौजी, काहे के लोंडुआ ने इतना चोर निकल गए बाप हमारे मुंह से बात हमें, अब हम कुछ छोड़ दे अगले प्रोग्राम के लिए। सुनो भाई बहनों, श्रीनाम की जनता, भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे लोग, अब सभी लोग यही बात कहते हैं कि बहुत से लकड़ी के पुल जो है, ब्रोकी जो है, उसको मरम्मत करना चाहिए। हाउटन ब्रेक टूरिफो कनाल फॉर न्यूज, द हाउटन ब्रेक ओवर द टूरिफो कनाल बिल्कुल नया पमंगा चढ़ा दिया गया है। कमिश्नरियात वानी का जेट ओस ऑन द रेन फन औद्री हंकर्स, 2018 से इसका मरम्मत करवा रही थी, अब जाकर के ये तैयार हो चुकी है। ये मंगलवार को फिश प्रेसिडेंट अश्विन अधीन एंड एयर हेबे मिनिस्टर रोलिन शमसुद्दीन
जैसे हैंकर्स, ये लोग खुद जाकर के और ब्रोकी को देखा, उस पर लेनिंग भी लग चुका, ताकि स्कूल के लड़कन ठीक रूप में पार हो सकते ब्रोकी से। तो यानिवारी ट्वे जो सर आखिन ये ब्रोकी को बंद कर दी थी ये देशे, तो मरम्मत शुरू हुआ। अब ये जा करके तैयार हो चुका है, अब इस पर सवारी फिर टोंग तक फरकेर इस पर चौ के पास हो सकता है। तो जैसे औद्री और साथ ही साथ अश्विन अधीन एरोडीन शमसुद्दीन ये सब वहां पर मौजूद थे, कहिए कि इस ब्रोकी का कम से कम उद्घाटन तो हो चुका होगा ना। तो बहुत अच्छा बात है कि जितना पुराना ब्रोकी है सबको कम से कम उसको यानी कि नया पलंगा उस पर लगाना चाहिए। एक ब्रश वाहन ब्रांटवेल का ब्रश वाहन बुध के शाम को विल्हेल्मिना स्ट्रासे से खसक करके और ये घुस गया कंडाल में, कंडाल में घुस गया। काका बोलियो तो का बोलियो, ब्रांटवेल के गाड़ी के बात हम कर रहे हैं, वो कैसे ब्रश फूट रहे बोलते हैं ना, बस वो अल्बिना बुध के शाम को सड़क पर से खसक करके कंडाल में चला गया, बस उसको निकाल उकाल करके और फिर वो खींच खाच के बाहर निकाला गया है, समझे ना। बड़ी गड़बड़ है, कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। एक नया ऑपरेटिंग जज के ऑपरेटिंग, जज के ऑपरेटिंग के लिए मिस्टर खतरों को फिर से खुद क्यूरिंग मिला है, स्टुअर्ट खतरों, ताकि नया रेक्टर्स के ऑपरेटिंग रेयो कोर्सेस ये ऑपरेटिंग की शुरुआत फिर से होने को जा रहा है। प्यारे प्यारे लोग, जैसे आप जानते हैं तो नया रेक्टर्स के बनुम करने के लिए एक अपग्रेडिंग है, तो ये अपग्रेडिंग का शुरुआत फिर से होने को जा रहा है, क्योंकि मिनिस्टर को ये तुष्ट में मिल चुका है। ए भैया हमारे सूरीनाम की जनता, देश का निवासियों, प्यारे लोग, आप शायद सुने होंगे श्रीमान बेलफोर एक असम्बलीडेट है, इनकी भाषण के दौरान में जो बात सामने आया है, इनका विचार है कि जितना मारोन परिवार है, मारोन पार्टी है, अक्टूबर महीना में जो आप जानते हैं कि दखफंग मारोन जो है एक नेशनल फेस दख कहिए आख या नीख अक्टूबर के, इनका विचार है कि सब मारोन पॉलिटिक पार्टी को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि सूरीनाम में अल्खमे स्टैटिस्टिक ब्यूरो द्वारा पता चला है कि 117,000 मारोन परिवार देश में रहता है। और अगर ठीक से देखा जाए तो नेशनल असेंबली में 12 मारोन लोग भर्ती हुआ है, एनडीपी के लेकर के और बैप और अब ये सब लोग मिला करके 12 असेंबली लीडर है। इनका कहना है कि दफन मारोन सब जुका परिवार को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका मकसद है कि 2020 के चुनाव में एक मारोन आदमी देश का प्रेसिडेंट होए, देश का प्रेसिडेंट इसी मारोन ग्रुप से एक प्रेसिडेंट आगे ठहराया जाए। इनका विचार है सब पार्टी को मिलाने के लिए, और मारोन दाख के रोज या आकाश स्टेडियम या कोई स्टेडियम में इनों का विचार है एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ताकि चुनाव में ये लोग देश का प्रेसिडेंट सामने लाए। अब ये लोग हमेशा कोलिसी में रहना चाहता है। हमारे देश की जनता विचार जो है, इदेई जो है, इदेई हर एक इंसान को होना चाहिए। जैसे ये इस आदमी का इदेई है कि सब मारोन को एक हो जाना चाहिए, चुनाव जीतने के लिए देश का प्रेसिडेंट ये लोग आगे लाए। इदेई जो है, विचार जो है, हर एक को एक अच्छा ऐसे विचार होना चाहिए, ख्वाहिश कभी के लोग बोलते हैं, ऐसे भी
और जात को ये बात ऐसे लेकर के चलना चाहिए जैसे मारोल लोग ये बात लेकर के चल रहा है। मारोल लोग ये बात चल रहा है कि ये लोग का विचार है 2020 में एक मारोन परिवार को प्रेसिडेंट की कुर्सी देने के लिए। जब ये लोग को चुनाव जिस तरह से 12 सीटों 13 सीटों हो गया तो ये लोग को अपना हक बनता है। ये विचार जो है जो सामने ला रहा है कि मारोन डाक के रोज ये सब लोग को मिलाना चाहता है, सब इंसान का एक अच्छा विचार पर हम लोग को कदर करना चाहिए। हम लोग ये आदमी के विचार पर कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और हम भी सोच रहे हैं कि ऐसे भी चलाक चलाक और कितनी लोग है सूरीनाम में जो शायद उन लोगों का ऐसा ही एक विचार होगा। तो सब लोग का विचार के लिए हम लोग धन्यवाद देने जा रहा हूं। भाई बहनों, आप लोग ये सब बात सुने हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए आप लोग का दिमाग सोए हुए दिमाग जो है सोए हुए दिमाग जो सूतल वाला दिमाग जो है वो जाग जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सो रहा है तुम्हें कम से कम जाग जाना चाहिए। अगर आप सोने का प्रैक्टिस किए होंगे तो इसमें जनता के कोई कसूर ना है, लेकिन कम से कम जाग जाने से आप भी बच सकते हैं और लोगों को भी आप बचा सकते हैं। भाई बहनों, हर एक इंसान को ऐसा ही सोचना चाहिए। सोचना कोई बुरी बात नहीं है, अगर अच्छा बात सोचो तब। और ये आदमी जो बात ने कहा है ये अपने कौम के लिए अपने जात के लिए ये सही बात सोची सर, सही बात सोची सर, जो हर एक इंसान को सोचना चाहिए। और ये बात बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को बेनलांत में कुछ मिलने वाला नहीं है तो उनको बेनलांत को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ये मारोन परिवार ये बात सोच रखा कि ये लोग मिलना चाहते हैं और मारोन दाग के रोज सब मिल करके एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, ये परतई के नाम ले लेकर के कहा कि ये सब लोग को मिलाना चाहता है ताकि जब चुनाव हो तो इन लोगों के पास ज्यादा से चल। और ये लोग 117,000 लोग हो चुका और कम से कम ये लोग प्रेसिडेंट बैठा सकते हैं देश के अंदर में। इनका सोचना इनका विचार जो है गलत नहीं है, वो अपने कौम के लिए सोच रहा है, वो अपनी जात के लिए सोच रहा है और वो उन लोगों के लिए सोच रहा है जो बड़ा स्कूल नहीं गया है। प्यारे लोग, सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी और लोगों को सोचना चाहिए, पढ़े पढ़े लोग को भी सोचना चाहिए। जहाज बुड़ने से पहले तुम्हें जाग जाना चाहिए। अगर आप वही धड़ पर काम करेंगे कि जब दूल्हा आएंगे बराती के लेकर के दुल्हन के सामने घर के द्वारे बराती, तो न दुल्हन के माई के पता न दूल्हा के पता, ऐसे ना होवे के चाही काका, ऐसे ना होवे के चाही। तो होशियार से हर एक इंसान को जीना चाहिए सूरीनाम में, जैसे अच्छे अच्छे बात सोच रहे हैं आपको भी सोचना चाहिए। आपका कोई रुकावट नहीं सोचने के लिए, और सोचने के बाद सामने खड़ा होकर के बोलने के लिए भी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि बोलते हुए किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन भाइयों, तुम्हें जहां खोजना है वहां खोजो, जहां तुम्हें कुछ नहीं लेना है वहां समय बर्बादी मत करो, जहां तुम्हें खोजना है वही खोजो और जहां तुम्हारा कुछ नहीं है वहां समय को बर्बाद न करो। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।